बच्चों, पिछले वीडियो में रिलेशन देखे थे, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच क्या रिलेशन है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर टाइप करना रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पंकज फिजिक्स सेंटर, और आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आए आगे का जो भी हम टॉपिक है वो। हम इसलिए ऐसा बोलते हैं ताकि फिजिक्स में हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक होता है। आप नहीं देखोगे पिछले वीडियो तो आपको नहीं समझ में आएगा, ये डेफिनेट बात है। अब क्या है कि हम साइन कन्वेंशन आज सीख लेते हैं। कैसे हम साइन का बहुत बड़ा खेल होता है बच्चों फिजिक्स में। जो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं उस ऑप्टिक्स में आपको कुछ भी नॉलेज हो, अब जब प्रॉब्लम करने जाओ ना और यदि साइन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया तो आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, कोई काम का चीज नहीं। साइन पे ही पूरा हमारा ऑप्टिक्स का जो प्रॉब्लम है वो साइन पे बहुत खेलता है ना, और बहुत बड़ी बात भी नहीं, एकदम छोटी सी नॉर्मल बात है। तो आप देखो, आपको जो टेंथ में पढ़ते होंगे ना तो छोटी सी बात बता दिया जाता होगा कि यदि राइट साइड मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम पॉजिटिव मान लो और नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग नेगेटिव मान लो तो वहां तो आपका काम चल जाता है। लेकिन वो बात बिल्कुल गलत है, वो सही बात नहीं है। भले ही आपको लॉजिकल वैसा क्वेश्चन नहीं मिलता है कि आपको वह दिक्कत पहुंचे, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं सीखना है, आपको लॉजिकल सीखना है कि लॉजिक क्या होता है एक्चुअल में। मान लो बच्चों एक ही साथ दोनों मिरर को कंसीडर करो, यह हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और यह हमारा कौन सा है, मानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर है ना, यह कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, और ये हमारा कॉनकेव कॉनकेव मिरर। देखना क्या है, यह हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यह हमारा क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पोल तो यहां भी पोल, ये अलग अलग के लिए। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, इधर, यहां मानते हैं फोकस, यहां किधर, इधर, यहां हमारा क्या है फोकस। इसके बीच के लेंथ को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। यह क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां जस्ट लाइक वैसे ही यहां फोकस, यह टोटल लेंथ क्या, यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसा है बच्चों। फोकस मिरर में हम क्या करते हैं, हर एक सारा डिस्टेंस फोकल लेंथ हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ सब हम कहां से मेजर करते हैं, पोल से। ऑल डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से मेजर करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, पोल से। ऐसा ना हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मेजर कर रहा है तो फोकस से मेजर कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। या आपको पोल यहां से, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल फोकस के बीच मेजर कर लिए, सब फालतू की बातें हैं। तो आपको हर एक डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, पोल से। तो पोल और फोकस के बीच फोकल लेंथ, पोल और सेंटर के बीच सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, जस्ट लाइक यहां भी कहानी है। अब बताओ कि जब भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां और वहां, सब की बात बोलते हैं, तो हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, साइन क्या होगा पॉजिटिव लेंगे। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई इमेज बन रहा है या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में तो क्या रखोगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या मानोगे, उसको नेगेटिव साइन से कंसीडर करेंगे। यह बात यहां भी वैलिड है और इसमें भी वैलिड है, दोनों में एक ही कहानी है। अब देखो यदि डायरेक्शन, मान लो कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन ऑफ ना क्या लिखोगे बच्चों, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट
रे या डायरेक्शन है, यहाँ भी जाएगा तो वहां भी जाएगा, ऐसा समझ के रखो। यही हमारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। अब बताओ कि यदि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के मतलब डायरेक्शन में जो भी क्या होगा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ध्यान से सुनना, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑल डिस्टेंस टेकन पॉजिटिव पॉजिटिव ना, और अपोजिट डायरेक्शन हो ना, क्या लिखोगे यहां देखना, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑल डिस्टेंस टेकन, क्या लोगे बच्चों, नेगेटिव, नेगेटिव लेना है। तो देखो क्या है यहाँ पे क्या होगा, जैसे प्रिंसिपल रे का डायरेक्शन इधर, तो हम यहाँ फोकस लेंथ, हमारा जो फोकल लेंथ है यहाँ पे क्या होगा, फोकल लेंथ जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ फोकस पोल है और यहाँ पे फोकस है, तो पोल से हम प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रिंसिपल डायरेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर, और आप मेजर किस डायरेक्शन में उसके अपोजिट कर रहे हो, तो यह नेगेटिव। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे एफ जो होगा वो पॉजिटिव होगा और R जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्यों कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इधर और पोल से हम क्या बोल रहे हैं, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से करना है ना, तो पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस, यदि डायरेक्शन क्या है, यही तो डायरेक्शन है हमारा इंसिडेंट रे का ना, डायरेक्शन जो है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो एक बात बता कि यहां से पोल है और ये फोकस है, तो इस डायरेक्शन में तो क्या है, फोकस हम पॉजिटिव लेंगे, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, किस में, कॉन्वेक्स मिरर के लिए और कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ सब नेगेटिव होगा, और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव। यही हमारा छोटा सा टॉपिक था। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रे डायग्राम कैसे बनाया जाए, स्फेरिकल मिरर रहे तो रे डायग्राम कैसे बनेगा, वो भी हमें 10th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको स्टडी कराना बहुत जरूरी है, ताकि आपको प्रॉब्लम जब करो तब आपको दिक्कत फील ना होना चाहिए। दैट्स इट।